हमारे घरों में बहुत सारी पुस्तकें रखी हुई होती हैं, हमारे घरों में सत्यार्थ प्रकाश भी रखा हुआ होता है, वाल्मीकि जी के द्वारा रचा हुआ रामायण पुस्तक भी है, महाभारत भी है, उपनिषदें हैं, पतंजलि जैसे ऋषियों के द्वारा रचे हुए ग्रंथ, दर्शन ग्रंथ भी हैं, वेद भी हैं, और भी नाना प्रकार के शास्त्र हमारे ग्रंथों में हैं। क्या आपको पता है इन ग्रंथों की रचना किसने की है? जैसे मैं एक दो ग्रंथों के विषय में पूछ लूं, बताइए सत्यार्थ प्रकाश किसने बनाया है? महर्षि दयानंद ने सही उत्तर है। बताइए योग दर्शन किसने बनाया है? अरे बोल दो, महर्षि पतंजलि जी ने बनाया है। अच्छा, वेद की रचना किसने की है? परमात्मा ने। अरे दो बातें आ गई अब तो, परमात्मा ने की है कि चार ऋषियों ने की है? दो बातें निकल के आई हैं। चलो दोनों को अलग अलग देख ले, वोटिंग किनके पक्ष में ज्यादा है। जो कहते हैं परमात्मा ने बनाया, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा नाम के चार ऋषियों का ज्ञान नहीं है, ये परमात्मा का है, ऐसा जो मानते हैं वो हाथ खड़ा करो। देख लो, हाथ खड़ा करवा रहा हूं मैं। अच्छा जी, और जो ये कहते हैं नहीं परमात्मा ने नहीं, ये तो अग्नि वायु आदित्य अंगिरा चार ऋषियों का ज्ञान है, ऐसी विचारधारा जिनकी है वो हाथ खड़ा कर दो। देखो तीन चार, अरे बहुत कम रह गए, ये तो महिलाओं में कोई नहीं उठाएगा। जिन्होंने पहले हाथ उठाया उनके लिए सब स्वागत में करतल ध्वनि से स्वागत करो। आखिर क्या बात है दयानंद योगी? ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषियों के बनाए हुए शास्त्रों को मान्यता देते हैं, सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, परम आदर करते हैं, पर उसे उतना प्रमाण नहीं मानते जितना प्रमाण वे वेदों को मानते हैं। अरे विश्व के पुस्तकालय में से किसी भी पुस्तक को उठा करके देखना, उसके ऊपर किसी न किसी मनुष्य का नाम लिखा हुआ होता है रचयिता के रूप में, लेकिन वेद एक ऐसे शास्त्र है जिनके ऊपर किसी मनुष्य का नाम रचयिता के रूप में लिखित नहीं है। और सारे ऋषि मुनि सृष्टि के आरंभ से कहते आए हैं, और अभी अभी मैंने भी एक मंत्र बोला है, वो मंत्र की अंदर से साक्षी है, मंत्र के भीतर से ही इस बात की अंत साक्षी है कि वेद की रचना किसी मनुष्य ने नहीं की, अग्नि ने नहीं की, वायु ने नहीं की, आदित्य अंगिरा ने भी नहीं की, अन्य किसी भी मनुष्य ने नहीं की। वेद की रचना तो उसने की है जिसने सूर्य को बनाया, अरे जिसने चांद को बनाया, अरे जिसने तारे को बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाया, जल और वायु आदि सृष्टि के पदार्थों को बनाया, उसी परमात्मा ने वेद को बनाया। अच्छा, अगर हमारे दिल में ये बात पक्की बैठ जाए कि वेद की रचना किसी मनुष्य की नहीं है, वेद किसी मनुष्य का ज्ञान नहीं है, तो बोलो हम वेद के लिए सब कुछ अपना होम करने के लिए तैयार हो जाएंगे कि नहीं? अरे बोलो, हो जाएंगे कि नहीं? आओ आज इस बात को जानने का प्रयत्न करें
कि भगवान ने कैसे वेद को बना दिया। अच्छा आपको ये पता है रोटी कैसे बनती है? अरे बोलो पता है, किसे किसे पता है हाथ खड़ा करो। अरे वाह वाह, रोटी बनाने के तो ज्ञानी बैठे हैं यहाँ। अब मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि परमात्मा ने वेद की रचना कैसे की। नए लोग जरा ध्यान से सुनना, और मेरे सुनने के बाद अगर किसी के मन में इस मान्यता के विरुद्ध कोई क्रॉस क्वेश्चन हो, कोई प्रति प्रश्न हो, तो स्वतंत्र होकर के कर देना। पर यहाँ यह निश्चय करके उठना कि वेद किसी मनुष्य की नहीं बल्कि परमात्मा की रचना हो। मैं आपके तर्क रूपी तीरों का सामना करने के लिए यहाँ तैयार बैठा हूँ। आर्यो पहले ये समझो कि वेद किस वस्तु का नाम है। अरे पहले क्या समझो, वेद क्या पृष्ठों का नाम? अरे कागज का नाम वेद है? ये तो मनुष्य ने बनाया, ये वेद नहीं है। ये कागज के ऊपर जिस कलम से लिखा, जिस स्याही से लिखा, क्या उस स्याही का नाम कलम का नाम वेद है? अरे स्याही और कलम तो मनुष्य ने बनाई, इसलिए स्याही कलम का नाम भी बोलो वेद नहीं है। तो वेद किस वस्तु का नाम है? मैं अत्यंत संक्षेप में कहता हूं, तीन वस्तुओं का नाम वेद है। अरे बोलो कितनी, भूल जाओगे कि याद रखोगे? पहली बात, जो वेद के अंदर शब्द हैं। अरे बोलो, जो वेद के अंदर शब्द हैं, जैसे अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम, ये जो शब्द हैं और शब्दों का जो क्रम है, इसका नाम वेद है। एक वस्तु तो ये है, ये शब्दों को क्रम पूर्वक रख करके जो मंत्र बना दिए गए हैं, उन मंत्रों का नाम बोलो क्या है? वेद है। ये मनुष्य ने नहीं बनाए हैं, ये दयानंद जी ने नहीं बनाए, ये पतंजलि जी ने नहीं बनाए। अरे ब्रह्मा का सामर्थ्य नहीं है, परमेश्वर का ही सामर्थ्य है, जो शब्दों की ऐसी अनुपूर्वी करके, शब्दों का ऐसा क्रम धर करके वेद बनाए। और शब्द ऐसे धरे, ऐसे धरे, शब्द तो सीमित हैं, पर शब्दों के भीतर भरी हुई एक चीज और है जिसका नाम वेद है। वो शब्दों के भीतर भरी हुई दूसरी वस्तु जिसका नाम वेद है, वो है अर्थ। अरे बोलो क्या है अर्थ? अर्थ किसे कहते हैं? शब्द से जो वस्तु जानी जाती है, उस वस्तु का नाम क्या है? अर्थ। अरे बोलो, शब्दों से जिस वस्तु का ज्ञान होता है, उस वस्तु का नाम क्या है? अर्थ। वेद का पहला मंत्र है, पहला शब्द है अग्नि। अग्नि शब्द है, अग्नि शब्द का अर्थ क्या है? अरे बोलो ना, उसी का तो नाम वेद है। अग्नि शब्द से जिस चीज का ज्ञान होता है, वो है परमेश्वर। परमेश्वर अर्थ है। अग्नि शब्द से सेनापति का भी ज्ञान होता है, सेनापति अर्थ है। अग्नि शब्द से आग का भी ज्ञान होता है, प्रसंगवश अलग अलग स्थानों पर अलग अलग अर्थ इन शब्दों के द्वारा प्राप्त होते हैं। इसलिए कहा अनंता वै वेदः, वेद के शब्द तो सीमित हैं, कंप्यूटर में आ सकते हैं, पर उन शब्दों के भीतर भरा हुआ जो अर्थ है, वो अर्थ, अरे बोलो, सीमित नहीं है, वो
अनंत है। अरे बोलो कितना है? इसीलिए ऋषि दयानंद समाधि में बैठे और समाधि में बैठकर भगवान से जाना और भगवान से जानकर समाधि से उठे, खिल खिलाकर हंसे और बोले आओ आओ आदरणीय छावला जी। समाधि से जब कोई योगी उठता है, समुद्र में से जैसे कोई मोती निकालता है, ऐसे भगवान से ज्ञान के मोती निकालकर जब वो खड़ा होता है तो क्यों ना खिलखिला के हंसे। वो खिलखिला के हंसे और बोले आओ आओ दुनिया के लोगों आओ, मैं भगवान से पूछकर तुम्हें बताता हूँ कि परमात्मा ने थोड़े से शब्दों के भीतर अनंत अर्थ रख दिया है। इसलिए सब बोले अनंता वै वेदा। दयानंद क्या बोले? वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। अरे मनु क्या बोले? सर्व ज्ञान मयो ही सह। सारे ऋषि एक ही बात कहते हैं, मनुष्य को जितने भी ज्ञान की आवश्यकता है लौकिक उन्नति के लिए और पारलौकिक मोक्ष की प्राप्ति के लिए, उसके लिए जितना ज्ञान मनुष्य को चाहिए, सारे के सारे ज्ञान की जड़, सारे के सारे ज्ञान का मूल तत्व का दिग्दर्शन परमपिता परमात्मा ने वेद में कर दिया है। कितनी चीजें हो गई? वेद शब्द, उसके भीतर भरा हुआ बोलो माल अर्थ, और तीसरे किस शब्द के साथ किस अर्थ का संबंध है, वो शब्द और अर्थ का जो संबंध है, जिस संबंध को समाधि में बैठकर तपस्वी और ऋषि ही जान सकता है, उस संबंध का नाम भी बोल दो वेद है। आया समझ में? कितनी वस्तु हो गई? शब्द, अर्थ और समाधि में बैठकर जिन शब्द और अर्थों के पारस्परिक संबंधों को जाना जाता है, आहा अंतर्यामी से जाना जाता है, अंदर बैठे हुए भगवान से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। दयानंद बोले जब जब जिस जिस ऋषि ने जिस जिस मंत्र के अर्थ को जानने की इच्छा से समाधि में बैठे, तब तब परमात्मा ने उस मंत्र के अर्थ को समाधिस्थ ऋषि को जनाया। क्या निकल के आया? शब्द अर्थ। अरे बोलो शब्द और अर्थ का संबंध, ये तीनों वस्तुएं क्या हो गई? अरे बोलो क्या हो गई? वेद। मैं इस वेद का व्याख्यान थोड़ा सा करने से पहले आपको मैं वेद का अर्थ बताता हूं। वेद के कई अर्थ हैं पर मैं आज के प्रसंग में केवल एक अर्थ लेता हूं, और वो अर्थ लेता हूं वेद माने ज्ञान। अरे शब्द अर्थ उसके संबंध को हम एक शब्द से पुकार सकते हैं, और वो शब्द क्या है बोलो? ज्ञान। बोलो क्या है? तो वेद माने ज्ञान, और संसार में इधर उधर जहां तहां नजरें दौड़ाना तो नजरें दौड़ाकर आपको पता लगेगा संसार में तीन प्रकार के ज्ञान हैं, चार नहीं दो नहीं कितने, पर आज मैं समय को देखते हुए दो ज्ञानों की चर्चा आपके मध्य में रखना चाहूंगा। कितने? तीसरे की चर्चा फिर किसी दिन करूंगा, आज उसका प्रसंग मैं नहीं उपलब्ध कर रहा हूं, समय भी वैसा ही है। और वे दो ज्ञान कौन कौन से हैं? एक ज्ञान है स्वाभाविक। अच्छा बच्चा जब जन्म लेता है तो वह अपनी माता के स्तन को होठों में देके भींच करके दूध पाता है, ये होठों से भींच करके दूध मिल जाएगा, ये ज्ञान आपकी दृष्टि से सामान्य हो
पर उसकी दृष्टि से, बच्चे की दृष्टि से सामान्य नहीं है। बोलो, उस बच्चे का ये ज्ञान कौन सा ज्ञान है जी? स्वाभाविक है। माँ ने नहीं कहा, पिता ने नहीं कहा। अच्छा, आपका ये लिंटर बड़ा अच्छा है, बड़ी तैयारी से बनाया हुआ है, पर बहुत घनी बारिश हो जाए तो संभव है कि ये गीला गीला हो जाए। पर ध्यान देना, बया नाम का एक पक्षी है, वो अपने बच्चों की रक्षा के लिए ऐसा घोंसला बनाता है कि उस घोंसले के भीतर जल की एक बूंद भी प्रवेश नहीं करती। अरे बोलो, उस पक्षी ने वो घोंसले का बनाने का ज्ञान किसी विद्यालय में से सीखा है? कहाँ से आया? अपना है, कहीं से आया नहीं है। उस जाति को पाते ही भगवान की व्यवस्था से वो ज्ञान उसे जन्म से स्वतः प्राप्त रहता है। इसीलिए इस ज्ञान का नाम बोलो क्या है जी? अपना ज्ञान। अच्छा, आपको अगर तैरने को कहा जाए पर आपने तैरना सीखा न हो तो क्या आप तैर लोगे? अरे बोलो, तैर लोगे? और अगर भैंस को, अरे जानते हो भैंस किसे कहते हैं? अरे जानते हो, हमारे यहां अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं होता तो उसको संबोधित करते हैं, ये तो हमारे गांव में ऐसा है जैसे काला अक्षर, वो है भैंस। अच्छा, उस भैंस को अगर आप पानी में डाले, सरोवर में डाले, तो बोलो वो डूबेगी कि तैरेगी? आहा, जो दावा करता है मैं ज्ञानी हूँ, मैं सबसे बुद्धिमान हूँ, अगर उसने तैरना नहीं सीखा तो वो डूब रहा है। और जिस भैंस ने कभी तैरना सीखा ही नहीं है, उसे डाल दो पानी में, वो तैरती है। मंत्री जी, वो ज्ञान कौन सा है उसका? स्वाभाविक ज्ञान है। समझ में आ गया कि और समझाऊं? बस बहुत है ना इतना तो? स्वाभाविक माने जो कहीं से आया नहीं है, जो माँ ने, पिता ने, गुरु ने, किसी ने दिया नहीं है, जो जन्म से मुझे सदा के लिए, मृत्यु पर्यंत के लिए, वर्तमान जीवन के लिए प्राप्त है, वो मेरा अपना है, मेरे से अलग नहीं हो सकता। जैसे आग से, जैसे अग्नि से गर्मी अलग नहीं हो सकती, वैसे ही जो ज्ञान मेरे से वर्तमान जीवन में अलग नहीं हो सकता, उस ज्ञान का नाम है स्वाभाविक ज्ञान। पर मनुष्य के पास स्वाभाविक ज्ञान इतना थोड़ा, अरे सुनो, मैंने क्या बोला था एक दिन? कुछ भी नहीं, इतना थोड़ा, इतना थोड़ा, इतना थोड़ा है मानव के पास स्वाभाविक ज्ञान, पशु पक्षियों से भी थोड़ा। अरे इतना थोड़ा। अच्छा सुनो, आपका बच्चा चलना सिखाने पर चलना शुरू करता है कि जन्म लेते ही उछलना कूदना शुरू कर देता है? बोलो, सिखाना पड़ता है। अच्छा, गाय का बच्चा, अरे कोई सिखाने वाला नहीं है, भगवान ने कहा इसे कौन सिखाएगा, चलो मैं ही इसे उछलने का, कूदने का, दौड़ने का स्वाभाविक ज्ञान दे तू। देखो ना जी, दया उसकी। हमें सीखना पड़ता है, पर गाय के बच्चे के पास चलने का स्वाभाविक ज्ञान है। लेकिन मनुष्य के पास जो नाम मात्र का स्वाभाविक ज्ञान है, उससे इसका काम नहीं चलता, उससे मनुष्य जीवन सफल नहीं हो सकता है। आपको मनुष्य जीवन के फल का पता है कि नहीं? अरे किसे किसे पता है फल का, आपके जीवन का फल? बोलो किसे किसे पता है, हाथ खड़ा करो जी। मैंने बताया नहीं अभी, मैं देख तो लूं। अरे अगर पता हो तो भगवान से संध्या में मांग लिया करो वो फल। और हम मांगते भी हैं, हे दया के खजाने ईश्वर, तेरी कृपा से, हमारी उपासना आदि कर्मों से, हमें विलंब से नहीं शीघ्र ही चार फल दे दे, धर्म, अर्थ,
काम मोक्ष, ये चार वैरायटी के फल, चार विभिन्नता के फल अगर मानव जीवन प्राप्त करना चाहता है तो इन फलों को प्राप्त करना तो छोड़ो, इन फलों को क्या है ये फल, इस बात को भी जानने का सामर्थ्य मानव के पास स्वाभाविक ज्ञान के द्वारा, अरे बोलो, नहीं है। तो भगवान बोले, चल मैं तुझे एक दूसरी कोटि का, एक दूसरी श्रेणी का ज्ञान देता हूं। उस दूसरी श्रेणी के ज्ञान का नाम है नैमित्तिक ज्ञान। अरे बोलो क्या है? जो ज्ञान किसी निमित्त से मिले। चलो निमित्त का अर्थ मैं एक लाइन में बताता हूं। जिसके बनाने पर कोई वस्तु बने, घड़ा कौन बनाता है? तो कुम्हार निमित्त है। जिसके बनाने पर कोई वस्तु बने, रोटी कौन बनाता है? आप बनाती हैं। जिसके बनाने पर कोई वस्तु बने और अगर वो न बनाए तो न बने, और जो अपने आप को घड़ा नहीं बनाता, अरे जो अपने आप को भोजन नहीं बनाता बल्कि दूसरी वस्तुओं को, मिट्टी आदि को घड़े का आकार देता है, ऐसा मिट्टी को घड़े का आकार देने वाला मनुष्य क्या है? निमित्त कारण। आ गया कि नहीं आ गया समझ में? निमित्त, निमित्त हमारी माँ भी हो सकती है, हमारे ज्ञान का निमित्त हमारे पिता भी हो सकते हैं, हमारे ज्ञान का निमित्त हमारे आचार्य भी हो सकते हैं। अच्छा बोलो ये क्या है? किसी ने बताया था ना आपको, या बिना जन्म से ही पता है? बताया था। अच्छा ये किस, कौन सा फूल है? गेंदे का। किसी ने बताया था? बच्चे को नहीं पता होता। जो ज्ञान किसी से मिला है, अरे छोटे से छोटे ज्ञान से लेकर बड़ा बड़ा ज्ञान हमारे पास है, हम महान वैज्ञानिक हैं। ये प्राइमरी क्लास से लेके शास्त्रीय आचार्य पर्यंत का जो ज्ञान है वो किसी न किसी ने दिया है, बिना दिए नहीं मिला। ऐसे ज्ञान का नाम है नैमित्तिक ज्ञान। अच्छा अगर निमित्त ज्ञान, निमित्त कारण न हो तो नैमित्तिक ज्ञान मिल सकता है? अरे बोलो मिल सकता है? एक व्यक्ति बोला, ये झगड़ा दयानंद जी क्यों मचाया, नैमित्तिक ध्यान का झगड़ा क्यों मचाया? बोले कैसे करे बताओ, कोई सुझाव दे। तब वह व्यक्ति बोला, मनुष्य धीरे धीरे, अरे कैसे कैसे, धीरे धीरे दिमाग लगाओ जरा थोड़ा सा, धीरे धीरे अपने स्वाभाविक ज्ञान को बढ़ाए। प्रधान जी अपने स्वाभाविक ज्ञान को बढ़ाए, और इतना बढ़ाए इतना बढ़ाए इतना बढ़ाए कि स्वाभाविक ज्ञान को बढ़ाते बढ़ाते विद्वान बन जाए, और विद्वान बन करके पुस्तकों की रचना करे, और पुस्तकों की रचना करके पुस्तक बांटकर दूसरों को भी विद्वान बना दे। बोलो चलेगा कि नहीं? अरे हाथ खड़ा करके बोलो चलेगा वाले, आपसे थोड़ी पूछ रहा हूं, ये तो चला रही है सारी। तब दयानंद बोले, सुन लो ध्यान से, तब दयानंद बोले, ए भोले, क्या बोले? ए भोले, उनकी यही तो था, तुझे यही नहीं पता स्वाभाविक ज्ञान क्या है, तुझे यही नहीं पता नैमित्तिक ज्ञान क्या है। अगर तू ऐसा जानता तो तू ये प्रश्न ही नहीं करता। वह बोला, बताओ स्वाभाविक क्या है, नैमित्तिक क्या है? तब योगी दयानंद बोले, जो ज्ञान घटता नहीं है और बढ़ता भी नहीं है उसका नाम स्वाभाविक ज्ञान है। मेरा सवाल समझ में आया ना? क्या नहीं होता जी?
इसकी परीक्षा करके देख लो। आपके घर में अगर कोई बच्चा पैदा हो, उसे जंगल में एकांत में रख दो, बस ऐसी व्यवस्था करो वो मरना नहीं चाहिए सर्दी गर्मी भूख प्यास से। ऐसे करते करते जब वो बड़ा हो जाए तब उस मांस के लोथड़े को, अरे क्या बोल दिया मैंने, क्योंकि चलना उसे नहीं आएगा, उसे उठा के लाना पड़ेगा, उस मांस के लोथड़े को नगरी के बीच में लाओ, बराबर में भैंस को खड़ा करो, दोनों की क्रियाओं का परीक्षण करो तो पाओगे स्वाभाविक ज्ञान भैंस के पास ज़्यादा है, मनुष्य के पास थोड़ा है और नैमित्तिक दोनों के पास नहीं है। इसलिए भैंस की क्रियाएं प्रशंसा के योग्य हैं और वो मांस का लोथड़ा पड़ा है तो पड़ा ही है। अरे बोलो उसका स्वाभाविक ज्ञान क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि बढ़ता नहीं है, अरे घटता भी नहीं है। एक उदाहरण ले लो, अगर हम किसी भैंस को तैरने का अवसर न दे, ध्यान दीजिए इधर, किसका अवसर न दे, पानी में मत घुसने देना, परीक्षा कर लो मैं बता रहा हूं, और उस भैंस के बच्चा हो उसको भी कभी तैरने मत देना, उसके भी बच्चा हो उसको भी कभी तैरने मत देना, उसके भी बच्चा हो उसको भी तैरने मत देना, ऐसे 100 पीढ़ी, अरे 1000 पीढ़ी, अरे 1,00,000 पीढ़ी, जितना मन करे उतनी पीढ़ियों तक भैंस के बच्चे को तैरने मत देना, पानी में घुसने मत देना। और जब 1,00,000 बाद की पीढ़ी का भैंस का वो बच्चा जो पानी में नहीं घुसा, जिसके पूर्वज नहीं घुसे 1,00,000 पीढ़ी से, उसे सरोवर में डाल देना, तो बोलो तैरेगा कि डूबेगा। आह क्या निकल के सिद्धांत आया, वो उसका अपना ज्ञान है, तुम चाहे तैरने का अवसर दो या न दो वो ज्ञान उससे अलग, अरे बोलो नहीं हो सकता। जैसे वो ज्ञान बढ़ नहीं सकता वैसे वो ज्ञान घट नहीं सकता, जैसे वैसे बढ़ भी नहीं सकता। अच्छा, एक बालक का जन्म भारत में रहने वाली माँ से हुआ, उस बच्चे के शरीर में भारत में रहने वाली मां का रक्त संचरित हो रहा है, उसकी आकृति उसके शरीर पर आ गई है, परंतु जन्म लेते ही उस मां को किसी विदेशी माता, इंग्लैंड की माता में गोद में लालन पालन हो रहा है, तो बोलो आपकी भाषा बोलेगा या इंग्लैंड की मां जो लालन पालन कर रही है उस भाषा को बोलेगा, बोलो क्यों बोलेगा, उसकी खून तो आपका है उसमें, इससे कुछ नहीं होता, देखो ये समझ रहे हैं सब, इससे कुछ नहीं होता, उसे जैसी भाषा का निमित्त मिला है वैसी भाषा का नैमित्तिक ज्ञान होगा। अगर गणित दिलाओगे तो गणित का विद्वान होगा, अगर कॉलेज में इतिहास दिलाओगे तो इतिहास का विद्वान होगा, अगर कॉलेज में भूगोल का विषय दिलाओगे तो बोलो भूगोल का विद्वान होगा। माने जैसा जैसा निमित्त होगा वैसा वैसा ही नैमित्तिक ज्ञान होगा, और निमित्त नहीं होगा तो स्वाभाविक ज्ञान जैसे घटता नहीं वैसे बढ़ेगा भी नहीं। इसलिए मनुष्य को एक दूसरे ज्ञान की आवश्यकता होती है, उसका नाम है नैमित्तिक ज्ञान। अरे बोलो क्या है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। गुरु चाहे माँ हो चाहे पिता हो, कोई ज्ञान देने वाला होना चाहिए, निमित्त होना चाहिए। ज्ञान देने वाला अगर नहीं है तो नहीं हो सकता है। एक बार एक पाश्चात्य डॉक्टर बोला, कौन सा डॉक्टर, ये PhD वाला पाश्चात्य विचारधारा की जूठन खाने वाला, हाँ ऋषि मुनियों पर श्रद्धा न रखने वाला, केवल डिग्री हासिल करने वाला, सत्य शास्त्र अनभिज्ञ व्यक्ति बोला, आज दुनिया चांद पे चली गई
और तुम वही घिसी पिटी बातें बोल रहे हो कि वेद का ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान है। आदरणीय मंत्रिणी जी, कहाँ चली जाती हो? ये मंत्री जी को भी देखता हूं, ये भी चले जाते हैं थोड़ा थोड़ा। आर्यो ध्यान देना है, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। क्या निवेदन कर रहा हूं? वो निवेदन ये कर रहा हूं कि ज्ञान का निमित्त होना चाहिए, बिना उसके नैमित्तिक ज्ञान नहीं होगा। परमात्मा ने कहा मानव जाति को नैमित्तिक ज्ञान देने के लिए किन्हीं को निमित्त बना लूं, क्या बना लूं किन्हीं को? तब उसने चार ऋषियों को पकड़ा। अरे बोलो किनको पकड़ा? क्या नाम थे उन ऋषियों के? अग्नि नाम का ऋषि निमित्त बनाया, वायु नाम का ऋषि, आदित्य अंगिरा नाम का ऋषि। कब बनाना चाहिए निमित्त? सृष्टि के बीच में या आखिर में? अरे जैसे सूर्य प्रारंभ में बनता है, चांद प्रारंभ में बनता है, सारे पदार्थ प्रारंभ में बनते हैं, ऐसे परमात्मा का संविधान वेद भी चार ऋषियों को निमित्त बनाकर सृष्टि के आरंभ में दिया। आप लोगों के पास जो ज्ञान है, चाहे सीधे वेद पढ़कर के न मिला हो, पर मिला है वेद के पठन पाठन की परंपरा से अग्रसरित होने के कारण। मैंने आपको क्या कहा? चार ऋषियों को पकड़ा। अच्छा, भगवान ने उन चार ऋषियों को ज्ञान कैसे दिया होगा? क्योंकि ज्ञान देने के दो ही प्रकार हैं, या तो वाणी से दे दो, या अरे बोलो या लिख के दे दो। वो निराकार है कि साकार है? अरे निराकार है तो बिना लेखनी के, अरे निराकार है तो बिना वाणी के। वो परमात्मा अपना ज्ञान कैसे देता है? बोलो जी, कैसे देता है? तो दयानंद बोले इसमें एक नियम काम करता है। बोले क्या नियम? जो अपने से दूर है उसे वाणी से तेज बोलना पड़ेगा, जो समीप है उसे भी बोलना तो पड़ेगा, पर धीरे से काम चलेगा। कल्पना करो, आप अपना कान मेरे मुख के सामने लगा दो, मेरे समीप हो जाओ, बोलो तब मुझे बोलना पड़ेगा या नहीं? बोलना तो पड़ेगा, पर मैं एक कल्पना ऐसी करा रहा हूं जो संभव नहीं है। और वो कल्पना क्या? मेरी आत्मा आपकी आत्मा के भीतर घुस जाए, जैसे परमात्मा आपकी आत्मा का अंतर्यामी है, ऐसे मेरी आत्मा, कल्पना करो, आपकी आत्मा में घुस जाए, तो क्या मुझे आपको ज्ञान देने के लिए बोलने की जरूरत है? अच्छा, आप घर से चले, स्वयं को ज्ञान दिया, तो आपने अपने को बोल के ज्ञान दिया, चलो आर्य समाज चलो, अपने को ज्ञान लिख के दिया क्या? चलो लिख के दिया, लो पढ़ो आर्य समाज चलो, ऐसे दिया क्या? अरे जैसे स्वयं को ज्ञान देने के लिए वाणी या लेखनी की आवश्यकता नहीं है, ऐसे मैं जिसके भीतर हूँ या जो मेरे भीतर है उसे मैं ज्ञान देता हूँ व्याप्य व्यापक संबंध से। कौन से संबंध से? भगवान के साथ हमारे बड़े रिश्ते हैं। वो माँ है तो हम पुत्र हैं, वो राजा है तो हम प्रजा हैं, वो आचार्य है तो हम शिष्य हैं, ऐसे एक रिश्ता परमात्मा के और हमारे बीच में है। हम व्याप्य हैं तो वो व्यापक है, व्याप्य माने जिसके भीतर घुसा हुआ है, और व्यापक माने जो आत्मा में सब जगह रहने के कारण घुसा हुआ है। इस व्याप्य व्यापक संबंध से अंतर्यामी रूप से परमात्मा को हमें ज्ञान देने के लिए वाणी या लेखनी की आवश्यकता। बोलो, अगर हम और परमात्मा स्थान की दृष्टि से अलग अलग होते तो बोलना पड़ता? अरे बोलो, पड़ता कि नहीं?
अरे तब तो लिखना पड़ता, लेकिन मेरे भीतर है। अरे जो योगी नहीं है उसे भी भय कर देता है, शंका दे देता है, लज्जा दे देता है, अंतर्यामी बनकर प्रेरित कर देता है। ऐसे जो पात्र हैं, कौन हैं? हमारे जैसे नहीं। अरे पात्र माने जिसमें वेद ज्ञान को धारण करने का, ग्रहण करने का सामर्थ्य है, ऐसे पवित्र पात्र आत्मा चार ऋषियों को पकड़ा और व्याप्य व्यापक संबंध के द्वारा उन्हें ज्ञान दिया और ज्ञान दे के बजा दिया। अरे क्या कर दिया? बजा दिया। समझते हो कि नहीं? ये हारमोनियम है, ये बाजा है बहन जी, बाजा है। ये बाजा जड़ है कि चेतन है? अच्छा, बाजे को बजाने वाला अल्पज्ञ है कि सर्वशक्तिमान है? अल्पज्ञ है कि सर्वज्ञ है? कम जानता है। अच्छा, सर्वशक्तिमान है बजाने वाला कि अल्पशक्तिमान? अरे बोल दो जी, अल्पशक्तिमान। पर गजब देखो, गजब। एक अल्पज्ञ व्यक्ति, एक अल्पशक्ति मनुष्य, एक अल्प सामर्थ्य वाला मनुष्य जड़ बाजे में से जैसी चाहे वैसी ध्वनि निकाल लेता है। उधर भी ऐसा ही है, बाजा जड़ नहीं है। अरे बोलो, बाजा तुम्हारी तरह चेतन है, केवल मनुष्य ही नहीं है बल्कि ऋषि कोटि के बाजे हैं। कितने बाजे हैं? चार बाजे हैं। और उन बाजों को बजाने वाला भगवान अल्पज्ञ नहीं है, वो सर्वज्ञ है। वो अल्पशक्तिमान नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है। वो अल्प सामर्थ्य नहीं है, वो पूरे सामर्थ्य वाला है। अब मैं पूछता हूँ जिनको भरोसा नहीं होता उनसे, अरे जब अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान अल्प सामर्थ्य मनुष्य जड़ बाजे में से अपना मन चाहा नाद निकाल लेता है, ध्वनि निकाल लेता है, तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा चेतन वाद्य यंत्रों में से अपना मनोवांछित नाद क्यों नहीं निकाल सकता? इसलिए ध्यान रखो, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा बाजे थे, वे बजे उनके बजने से, अरे उनकी चेष्टा से, उनके द्वारा नाद होने से जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ वो उनका नहीं है, उन वाद्य यंत्रों को बजाने वाले परमात्मा का नाद है। दयानंद समाधि में बैठ गए, भगवान से बोले, मुझे बताओ ना गुरुजी, मुझे बताओ ना। किसे बोले गुरुजी? परमात्मा को। अरे संध्या करने लगो, तुम्हें सनातन गुरु प्राप्त हो जाएगा, दूसरों की भी समस्याओं का, प्रश्नों का समाधान करने लगोगे। यही तो ऋषि दयानंद के अंदर रितम भरा प्रज्ञा थी। मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक बार ऋषि दयानंद समाधि में बैठ गए और भगवान से बोले, ए गुरु बताओ ना, तुमने अग्नि वायु आदित्य अंगिरा को अपना ज्ञान कैसे दे दिया? आहा, पुत्र दयानंद को भगवान ने सारा का सारा बता दिया। और जब बताया तो समाधि से उठे, खिलाकर हंसे और बोले, आओ 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 दुनिया के लोगों, आओ मैं तुम्हें भगवान से पूछ कर बताता हूँ, एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। तुम वेद के लिए अपना जीवन लगा दो, इसलिए बताता हूँ। क्या बताता हूँ? जैसे कोई वादित्र को बजावे, वादित्र माने बाजे को बजावे, अरे जैसे कोई कठपुतली को, जड़ है कि चेतन? कठपुतली लकड़ी की है। जैसे जड़ कठपुतली को नचावे, वैसे वाद्य यंत्र से जब बजाता है, अरे कठपुतली की तरह से जब चार ऋषियों से
चेष्टा कराता है, जैसी चाहता है वैसी चेष्टा कराता है, तब उस चेष्टा से जो नाद निकलता है, परमात्मा बोले वो उन ऋषियों का नहीं है, वो मैंने निकाला तो मेरा है। अरे बोलो, क्या बोले? मेरा है। इसीलिए ऋषिदान ने ज्ञान को दो भागों में बांटा, एक स्वतः प्रमाण वेद और एक वर्तमान जीवन के पुरुषार्थ से ज्ञान अर्जित करने वाले ब्रह्मा से लेकर दयानंद पर्यंत ऋषियों का ज्ञान। एक ज्ञान वेद के अनुसार होने से प्रमाण है, एक स्वतः परमात्मा का होने से अपने आप ही प्रमाण है। इसीलिए ऋषि दयानंद ने आर्य समाज के नियमों में अगर किसी को स्मरण किया तो केवल वेद को स्मरण किया, आर्य समाज का आधार अगर किसी को बनाया तो वेद को बनाया और नियम लिख दिया। वेद कितनी? सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है वेद का। अरे पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। आर्यो अपने अपने घर्मों में जहाँ धर्म के यज्ञ आदि अंगों को स्थापित करो, वहाँ उससे भी पहले स्वाध्याय रूप परम धर्म को स्थापित कर लो, तो धर्म के सारे अंगों की स्थापना स्वतः किसी अन्य की प्रेरणा के बिना तुम्हारे घरों में स्थापित हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम।